में आप सबका स्वागत है। आज की आपकी हिंदी अनिवार्य की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्रांत भाग दो। तो देखें, विलग जनी मां नहीं उठो प्यारे, वो मथुरा काजल की कोठरी जे आवही ते कारे, तुम कारे सुखलत सुख कारे, कारे मधु हमारे, तिनके सब अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, मानव नील माटते काले, ले जमुना जाय उठारे, ताब श्याम हरी कालिंदी, सूर श्याम बुनियारे। देखे हम इसकी व्याख्या करने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विलग यानी अन्यथा, जनी यानी मत, मानव यानी मानना या लेना, वो मथुरा काजल की कोठरी, जे जे यानी जो, आही आते हैं, ते यानी वही यानी वे सब, काले अर्थात काले, तुम काले सुखलक सुखलक अखरुचि के पिता, वो अखरुचि जो कृष्ण और बलराम को ब्रज से ले गए थे मथुरा, तुम काले काले मधुर हमारे, मधुर पे मथुरा तिनके यानी उनकी सब अधिक छवि उपजत अर्थात उत्पन्न होती है, कमल नयन अर्थात कमल जैसे नेत्र वाले, मणि आले यानी मणियों मणियों और रत्नों की आभा से युक्त शरीर वाले, इनकी मणियों और रत्नों की कांति वाले, मानव मानव नील माट माट यानी घड़ा पटका, तेल से काटने निकाला हो, ले जमुना जाए खारे खारे हाथ धो दिया हो, ताई उस गुण यानी कि उस कारण से श्याम हरी यानी हो गई कालिंदी यानी यमुना नदी, सूर श्याम गुण न्यारे, सूर सूर्यदर्श के लिए आया है, श्याम श्री कृष्ण के लिए गुण न्यारे यानी कि सबसे न्यारे है, सबसे अनोखे है और द्वितीय है श्री कृष्ण। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। विलग जनी मानव उठो प्यारे, गोपियाँ कहती है कि हे उठो, हम जो कहने जा रहे हैं उसे आप ध्यानपूर्वक सुनना और अन्यथा मत लेना, बुरा मत लगाना। क्या कहती है गोपियाँ, वह मथुरा काजल की कोठरी जी आवनी के कारे, वह जो मथुरा कर रही है ना वह काजल की कोठरी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ से जो कोई भी आता है काला ही होता है, सब काले, तुम काले हे उद्धव, तुम काले सुखलक सुख काले, सुखलक जी के पुत्र अखरु जी जो कृष्ण और बलराम को यहाँ से मथुरा ले गए थे वो भी काले थे, तन से नहीं तो मन से काले थे, कुटिल थे, इसीलिए तो बहका करके बेला भूसा करके हमारे प्राण में श्री कृष्ण को यहाँ से मथुरा ले गए थे, तो वे भी काले थे। काले मधुर हमारे, ये जो मधुर रस का लोभी घोड़ा जो हमारे ऊपर इस पर मंडरा रहा है ये भी काला है और लगता है कि ये भी मथुरा से ही आया है, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, तिनके संग तिनके यानी उनके उनके ही है जो मथुरा से आए हैं वो सब काले हैं अर्थात मथुरा के लोग सब काले हैं, तो उन काले लोगों के साथ ही उन श्री कृष्ण भगवान की छवि अधिक उत्पन्न होती है, शायद उनकी उन
किया हो और फिर उन्हें ले जाकर के ले जमुना जाल उठा ले और फिर मानो उनको ले जाकर के यमुना नदी में धो दिया हो। ताब निशान की काली थी सूर्य श्याम बुनियादी है। वो क्या कहती है कि इसी गुण के कारण वो बेचारे यमुना नदी भी काली हो गई है। किस गुण के कारण कि मानो मथुरा के सभी लोगों को नील से भरे हुए घड़े में डुबो करके निकाल दिया हो और उन्हें ले जाकर के यमुना में डुब दिया हो। इसी गुण के कारण बेचारे को यमुना नदी भी काली हो गई है। कवि सूरदास जी कहते हैं सूर्य श्याम बुनियादे। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हम श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक उपमान करें। वो सबसे न्याले है, सबसे न्याले है, सबसे अनोखे है, अद्भुत है। अब देखते हैं, बात करते हैं हम अगले पद की। अखिया हरे दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप राजी ये बतिया सुनी रूखी अवधि गलत एकटक मग जोत तब एकी नहीं झूठी अब इन जोग संदेशन उठो अति कुलानी भूखी बार बार फेरी दिखाओ तुम ही पर पीवश मत रुखी सूर सिकत हरी नाम चलाओ ये सरिता है सुखी। अब देखें गोपियाँ इस पद के माध्यम से उद्धव की मानसिकता पर व्यंग्य करती हुई कहती है उद्धव पर खीर होती है उद्धव पर चूल्हा होती है। गोपियाँ
जला रही है। अब इन जोग संदेश में उद्धव अति अकुलानी दुखी गोपियां कहती है कि हे उद्धव, अब तुम्हारे इन जोग संदेशों को सुनकर की हमारी आंखें अत्यधिक व्याकुल हो गई है, अत्यधिक दुखी होने लगी है हमारी आंखें, अर्थात तुम्हारा नीरस ज्ञान उनका उपदेश हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती। बारह फेरी दिखाओ दुखी पर पीवत पतु की गोपियां कहती है कि हे उद्धव, यदि तुम तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहते हो, यदि तुम तुम्हारे लिए कोई एहसान करना नहीं चाहते हो, यदि तुम्हें हम पर दया भी आ रही है, यदि तुम हमारा कोई सहयोग भी करना चाहते हो, तो हम जो कहते हैं वो करो, हमारे लिए इतना ही कर दो कि बार बार हमको फिर ये दिखाओ कि एक बार वो मुख फिर से दिखा दो हमें। यदि तुम हम पे उपकार करना चाहते हो तो एक बार तुम हमें श्री कृष्ण का वह मुख फिर से दिखा दो। अब देखिए कौन से मुख की बात करती है गोपियां, गोपियां श्री कृष्ण के किस रूप की अभिलाषिनी है, किस देखना चाहती है, दर्शन की आशा है, कैसे रूप को देखना चाहती है, तो देखें दूही पय पीवत पतुखी, अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान गायों का दूध पत्ते पत्तों की दोने बना करके उसमें दूध करके पी जाया करते थे, उस श्री कृष्ण का स्वरूप एक बार फिर से हमें दिखा दो, उस बाल द्वार श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन एक बार हमें फिर से करवा दो। कहने का आशय ये है, श्री कृष्ण का भाव ये है कि गोपियां राजा की राज श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी भी नहीं है, बल्कि गोपियां तो श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शनों की चाह रखती है जो रूप श्री कृष्ण का अपने हृदय में बसा हुआ है, जो रूप की श्री कृष्ण की गोपियों के हृदय में विद्यमान है, अर्थात कृष्ण का बाल बाल स्वरूप गोपियां फिर से देखना चाहती है। सूर्य शिखर हटी नाम चलाओ ये सरिता है सूखी, अब गोपियां कहती है कि ये उद्धव, तुम्हारा ये ज्ञान बार बार ज्ञान का उपदेश सुनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सूखे रेगिस्तान में नाव का चलाना सिकत यानी मिट्टी बालिका। तो गोपियां क्या कहती है कि तुम्हारा जो ज्ञान का उपदेश में सुनाना हर जो सुना रहे हो बिल्कुल वैसा ही है तुम्हारा कार्य जैसे रेगिस्तान के अंदर नाव चलाना, तो रेगिस्तान के अंदर नाव नहीं चल सकती, तो बिल्कुल वैसे ही गोपियों के कृष्ण दर्शनों के अभिलाषी हृदयों पर उस उद्धव के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम एक निश्चित भाव से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, उनकी भक्ति में लीन है, तो ऐसे में अब ज्ञान उद्धव का जो ज्ञान और उद्धव का उपदेश है वो बिल्कुल निष्प्रभावी है, अपने नीरस लगता है, उसका कोई प्रभाव गोपियों के हृदय पर नहीं पड़ सकता। अब देखिए बात करते हैं हम अगले पद की, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर निर्गुण कौन देश को वासी, अब
व्यर्थ है, सब भूलत पक्षियों की मधुर कलता उपयोगी व्यर्थ है, वृथा कमल फूले कमल आदि पुष्पों का खिलना, अली गुजरे और भरों की गुजार, ये सारी चीजें जो सुकून देने वाली है, जो हमको आनंद